नमस्कार मतकु स्वागत करछु मुचिन्मयी। आज मतरे आलोचनार प्रसंग रही दुर्दिन में प्रवासी श्रमिक बाबद आलोचना करबा, किंतु ता पूर्वर जानि रखबा जे घटनाटी जे घटी ता होची चिलिकार सुबुधि पटना गाँव प्रीतम नंद बाहरीन चाकिर करते वर्तमान बाहरीन निर्यातना सही नपारी एक वीडियो फुटेज जारी करठाकर पुलिस द्वारा ओडिया श्रमिक मैंने भोक उपास रहा सहित नाकाबंदी हो रही जमापड़ी। सात मस पूर्व ओडिया श्रमिक कम आशार सुदूर बाहरीन को जाते 10 घंटा कमर पारिश्रमिक खावा पीवा खर्च प्रतिश्रुति दि जाइला, किंतु से 14 घंटू अधिक समय कम करागला खावा पीवा दि जाइनला। फल सेठे अनेक श्रमिक फसी रही बेले कंपानी विरोध में अनशन जारी रखिंट। ते बारंबार एभली चित्र सामना को आसुच्छी एवं विदेश में ओडिया युवक निर्यातित होती। बाहरीन आउ एक घटना हो ओडिया युवक मैंने निर्यातनार शिकार होती निज देश को भिटामाटी को फेरी आस निवेदन करछन्ति। खोर्धा जिलार एक घटना होछि बालुगा बाणपुर एवं गंजाम जिलार खलिकोट अंचल युवक माने सेठारु एक वीडियो करि मध्य पठाइछन्ति। जो चुक्तिनामारे ओडिया युवक माने विदेश जाइथिले सेठारे ताहा पालन करा जाउ नथिबा अभियोग होछि। प्रतिवाद कले काहाकु अमानुषिक भावे माड़ मरा जाउछि त पुणि काहार तंटी कटा जाउथिबा अभियोग होछि। स्वदेश फेरिबाकु उभय केन्द्र और राज्य सरकार को गुहारी करिछन्ति प्रवासी माने। तबे घटना ये प्रथम घटना नुहे, बारंबार एभली चित्र सामना को आसुच्छी जे ओडिया युवक माने जितेबले बाहर को दादन खटी जाउछन्ती एवं सेठारे तांकु बा निर्यातना दिया जाउछी निर्यातनार शिकार होउछन्ती सेतेबले अनेक समय रे सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल हेबार देखिबा को मिले एवं वीडियो मध्य सेमाने जारी करंती जे वीडियो रे पूरा आकुल निवेदन करंती सरकार को केमती भापरे सेठारु तांकु सुरक्षित अवस्था रे उद्धार करा जइबो एवं निजो फिटा माटी को सेमाने फेरिबे। एभली चित्र बारंबार आसुच्छी एवं अनेक श्रमिक मैंने रही जो मृत शरीर आसी पहुंचे। ये सब घटना घटला पर वर्तमान सुधा घटना रे पुनरावृत्ति बारंबार आसुची एवं एथिपाय कोनोसी दृढ़ पदक्षेप सरकार ने उठाते। ते बाबद्र अधिक सूचना पाई आम सहित आम प्रतिनिधि जोड़ी होती कान्हू चरण। कान्हू वास्तविक वर्तमान जो चित्र सामना को आसुची जे सोशल मीडिया रे वीडियो जो जारी करिछंती युवक माने बा श्रमिक माने सेमानकर गुहारी होउची जे सेमानकु उद्धार करा जाउ, खास करी केते दिन हेलानी सेमाने एभली अवस्था रे अछंती एवं वर्तमान प्रशासन तरफ रु एने किछि बंदोबस्त करा जाउची कि केमति सेमानकु सेठारु सुरक्षित अवस्था रे फेराई अणा जाय परिबो। देखों जे चिन्मय जो घटना बर्तमान गत काली भाइराल जो युवक मैंने निज निजर पेट पटना निज पर गुजरण मेटाई विदेश को जाती, किंतु से जो विदेश में चुक्ति कर जो समय निर्धारण अच्छी जो के समय कम करेंगे आते पारिश्रमिक दिज्व कि चुक्ति बाहर को जाती कंपानी मैंने से हईरा हरकत करो मैंने अभोग कर चुक्ति नमर बाहर कथ कह से माड़ मारा जाए अधिक जी बेस मरणात्म आक्रमण कर निश्चित भाव में कानू खास करी प्रीतम नंद कथा जो कहुच्छे प्रीतम नंद वीडियो जारी करते अनेक ओडिया श्रमिक अच्छा वर्तमान सुधा से क्यों अंचल एवं पर लोकों किसी रिएक्शन हस्तगत हो निश्चित भाव में चिलिका बालुआ बाणपुर जो गंजाम जिलार लोक मैंने अच्छा जो श्रमिक मैंने जाने वर्तमान प्रीतम दास पर सहित जोजोग करूँ कि नवेदन रही सरकार को केन्द्र और राज्य सरकार को जे कि भाव में श्रमिक मैंने लोक मैंने सुरक्षित फेरी आसवे से नहीं से सरकार को आकुल नवेदन कर चिन्मयी। कान्हू जिला प्रशासन वर्तमान कौन कौच जिला प्रशासन किसी प्रतिक्रिया रखुच्छे कि बाबद कौन बंदोबस्त करमती सुरक्षित भाव में अणा जा पार्ब वर्तमान जिला प्रशासन कौन सी तत्पुर देखे कहीं दुई तीन दिन जहाँ छुट्टी भाइराल हमारे गत काफि खोल जिला
निश्चिंत भावे कानू जो भली चित्र सामना को आसुची जे केवल चिलिका अंचल नुहे खोर्धा जिला बालुगा बाणपुर अंचल कथा कहतु एवं खलिकोट अंचल कथा कहतु ये सब अंचल जो ओडिया श्रमिक मैंने बाहरीन को जाती सेठे काम करने जो चुक्ति अनुसार सेठे से चुक्ति को रक्षा करना सेठाकर ठिकादार मानने खासकर कंपानी करतृपक्ष जहाँफल से से नहीं कि किसी अपोज करुंटे अत्याचार करतना दि जाऊँगी जहाँ को लेकिन वीडियो वायरल होमती सुरक्षित पुणी भिटामाटी को फेर अणाजी से बाबद सरकार को अनुरोध करुँचुची चित्र बारंबार सामना को आसूरी जितेबाला कोरोना महामारी आसला प्रवासी ओडिशा फेरिले से राज्य सरकार प्रतिश्रुति दे राज्य में ही कम दिज्व कितु एमती परिस्थिति उपजिला जो पुणी थे बाध्य जो कम करुले जगह को फेरीगले चित्र बारंबार आसुची जे ओडिया श्रमिक मैंने बाहर दादन खटुचंती एवं सेठारे निर्यातित होउचंती किंतु राज्य सरकार को ए दिगरे कोनोसी हेले पदक्षेप निया जाउ नाही एबले चित्र बारंबार आसीबा फळरे अंतत मन होउची जे राज्य सरकार गोटे स्थायी सरकार 21-22 वर्ष रे जतबले सरकार सेतबले राज्यर युवक मानक पई सरकार करिछि कोन कारण अनेक समय रे डिमडिम पिटिचंती आमे मधे ए बाबद्र गणमाध्यम को पूरा चित्र देखाउचू एवं खबर प्रसारण करूचू जे मेक इन ओडिशा कनक्लेव रे सरकार जो भली कोटि कोटि टंका राजस्व खर्च करती विभिन्न कंपानी मानक डकाती किंतु वास्तव में एटी कौन सी विदेशी कंपानी आसी काम करिबा निजर व्यवसाय आरंभ करिबा भली स्थिति आज पर्यंत उपजिनी कारण राज्य सरकार संपूर्ण सहयोग रहा दरकार एवं राज्य सरकार एने कि आज पर्यंत कौन पदक्षेप नहीं ना कि केवल विज्ञापन में ही सारी जहाँफल एमती चित्र आसूरी जो प्रत्येक वर्ष अनेक युवक बेकार अवस्था बुलुंट कहीं ना कहीं दादन खटापी बाहर को जाठारे निर्यातित होती विदेशी मान विदेशी माने सेवानकु निर्यातना देउछन्ती निर्यातित होउछन्ती एवं फळरे अनेक प्रकार वीडियो सामना को आसुछी केउटी कार मृत खबर आ सामना रे पहुचुछी त आउ केतबळे केही गुहारी करुछन्ती जे निजो राज्य को केमती फेरि जेबे एवं सेमानकु केमती प्रशासन सुरुखुरे बा सुरक्षित अवस्था रे फेराय आडबा नै ए बाबद रे आलोचना जारी रहइबो किंतु समय होछि गोटे छोटो ब्रेक ब्रेक पर स्वागत आप देखुं मत एवं मतरे आम आलोचना करुचे दुर्दिन में प्रवासी श्रमिक बाबद आलोचना बर्तमान आम सहित जोड़ी होती डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज जी हूँ बाहरीन ओडिया समाज प्रतिष्ठाता सहित आलोचना करने श्रीजुक्त प्रहराज आपण को आलोचना को स्वागत जनइबी खासकर आपंठ जानापी चाहिए जे बारंबार एभली वीडियो जो सामना को आसुची जे जो माने प्रवासी माने जाउछंती बाहर राज्य को काम करने सेठे निर्यातित होती निर्यातनार शिकार होती वीडियो को नहीं प्रथम आपंकर रिएक्शन जानापी चाहिए जय जगन्नाथ अनेक अनेक धन्यवाद आपण मानकु जे आई जो कार्यक्रम को आपण आयोजन करछंती आम प्रवासी श्रमिक भाई मानक सेथिपाय आपनको शेष धन्यवाद देखंतु विदेश माटी रे जो प्रवासी श्रमिक मानको जो चैलेंजेस अछि दैट इज डिफरेंट देन आम निज जो भारत वर्ष रे जो प्रकार अछि कारण सेथि तांको प्रोटेक्शन पई श्रमिक यूनियन रहिछि विभिन्न प्रकार अधिकारी रहिछंती जो मानको से माने निज भारतीय मूलर लोक को से माने एक्सेस करि परिबे आ तांको सहाय्य लोडी परिबे किंतु विदेश माटी रे देखंतु कोन हुए जेति त कोनसी यूनियन इज नॉट ऑथराइज्ड कारण यूनियन अथराइज नुए इस्लामिक नेशन एंड जो आमर कि सब बड़ जिनसा केमी प्रोटेक्ट करवा तो देखु यो घटनाटी मुझे फर्स्ट सेप्टेम्बर जमी सका से विषय खबर पाइली मुझ इमिडियेटली इंडियन एम्बेसी सहित कथी कारण आमर विदेश सब बड़ रिप्रेजेंटेटिव है जो भारतीय दूतावास कंटाक्ट कली जनईली विषय एमती घटना होती मो पाखे गोटे मानने वीडियो कॉल आसला वीडियो कॉल माध्यम रे जने भाई से ना डिस्क्लोज करने को मना कर इनफॉर्म कले प्राय बहुत गुड़ा ओडिया भाई फोन कॉल आसला समस्ते कहले आम ना डिस्क्लोज करूनी आप तो से कहले जाना चाहे असुविधा टा कौन जो ये असुविधा ना आम जो वर्किंग कंडीशन आम कैंप रल नुह कारण एम को माने गैस लीकेज रही गैस लीकेज बहुत लोकर मृत्यु घटी एपर द्वितीय जिनस है खाइबा कंडीशन भल नुहे खाइबा
ତାଙ୍କର ସେଠି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନିଂ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ରହିଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ କାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତାଠୁ ଅଧିକା କାମ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କଠୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ବସ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା, ତ ବହୁତ ଅଧିକା ସମୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଦରମା, ସେଟା ଆମେ ମିଛ କହିବାନି, ଦରମା ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ରହିଛି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡା ଲୋକଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ କାମକୁ ଯିବାନି, ଆମ ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟାକୁ ଏଠୁ ହଟାଯାଉ ଏଇ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସକୁ ଖବର କରିଦେଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ସେଠି ଘଟଣା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଣିଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟଲି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବରକୁ, ଯେଉଁ କି ଏଠିକା ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଅହମ୍ମଦ ଅଲ ହାଇକି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର, ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ସିଏ ବହୁତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟରେ। ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ, ତ ସେ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିବୁ। ମତେ ଏମ୍ବାସି ବି ଜଣେଇଲା ଯେ ୟେସ୍, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଲେବର ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ଉନ୍ନି କ୍ରିଷ୍ଣନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଲି କଥା ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ନଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲେ, ତ ସେ ଫେରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ୱି ଆର୍ ଲୁକିଂ ଟୁ ୱିଲ୍ ରିଜଲ୍ଭ ଅଲ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ମତେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଏ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ହବ କାହିଁକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିସାରିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେସବୁକୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ କୋଉ ଟର୍ମସରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କେତେ ସାଲାରୀ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ରହିବାର କେମିତି ଘର ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିବ, ତାଙ୍କ ୱାର୍କିଂ ଆନୁଆଲ ଛୁଟି କେମିତି ମିଳିବ, କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଫୁଲି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବନି, ଆମେ ତାକୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରରାଜ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପିଲା ଯାଇ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଖଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନିର୍ଯାତିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କେହି କେହି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତିକି ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥା ଆସୁଛି ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଦାୟୀ, ଏହା ପାଇଁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଦାୟୀ, ଆମ ଲୋକ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ଦାୟୀ, କାରଣ ଆମ ଲୋକକୁ ବି ଆଲର୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଦାୟୀ କି ପ୍ରକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଯୋଉ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି କୌଣସି ବି ଦେଶରେ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ସରକାର କମ୍ପଲସରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ୟୋର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଯେତେକି ଆମର ଅଧିକ ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଠୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପାଖରେ ଲଫୁଲି ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ଥାନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସୁବିଧା ଦେବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆଜି ତାଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ସେ ପ୍ରକାର କାଗଜ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ପକେଇ ପାରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ NRI ସେଲ୍ ହବା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ ଯେତେ ଶ୍ରମିକ ଯେତେ ଲୋକ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଏମ୍ବାସିରେ ଗୋଟେ ଆମର ମେଡିକାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ହୁଏ, ଆପଣ ସୀମାଞ୍ଚଳ ରାଉତ ବିଷୟରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକିଗଲି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବା ଦରକାର ନା, ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଡକ୍ଟର ପ୍ରରାଜ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରିନ୍ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭଳି ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ମୃତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ, ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି
एते सब ओडिया समाज रो पिला सेठारे वर्तमान ओडिया युवक माने फसी रहिछंती जो माने वीडियो जारी करछंती जे सेमानुको केमती सेठारो सुरक्षित भाबरे उद्धार करा जाई परिबो। डॉक्टर प्रहराज जानिबा पई चाहि पुजे ये युवक माने अंको पई जे वर्तमान माने सुरक्षित केमती फेरबे सेथि पई बंदोबस्त केबेठु आरंभ करा जइबो ते सेमाने चाहुछंती कोन ना ओडिसा माटी को फेरबे ना खास करी सेमाने कोन चाहुछंती जे सेठारे सेमानुको जे चुक्ति अनुसार निया जाइतिला से चुक्ति रे मध्ये सेमाने काम करबा पई इच्छुक अछंती वास्तविक भाबरे सेमानकर समस्यार समाधान कोन बाहरिबो। मु आपनको चैनल माध्यम रे हात जोड़ी सबु श्रमिक भाई मानकु अनुरोध करूची जे कोनसी भी मोब रे समान जेमती जॉइन न करंतु। देखंतु मोब रे जोटी 5000 लोक अछंती को प्रकार रो लोक थिबे कोन करिवे से मोब रे समान जोग न दियंतु कारण मु ऑलरेडी तांको सुरक्षा पई ऑलरेडी मु तांको इंडियन एम्बेसी आ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आ विभिन्न अथॉरिटी इवन कंपनी सहित डायरेक्टली तांको सहित कथा होची से माने आज सकाळ रो कथा अनुसार इंडियन एम्बेसी कहिछन जे कोनसी असुविधा नै आमे किछ बहुत शीघ्र ए मैटर को रिजॉल्व करिनबा कारण आमर विदेश मैटर आम अथॉरिटी ला आम इंडियन एम्बेसी आ द्वितीय जिनस आम मिनिस्टर भी मते एश्योर करछंती मिस्टर अहमद अल हाइकी जे मैटर को से माने रिजॉल्व करनेबे आ तृतीय जिनस कंपनी एवं मिस्टर अहमद अल हाइकी द मिनिस्टर सी हैज एश्योर मी कि आमर जेतिके भी प्रवासी जो माने फेरी जीवा को चाहछंती तांको पई कोनोसी असुविधा हबनी तांको सेटलमेंट दिया जीवो प्लस तांको टिकट दिया जीवो आ तांको जहा जहा एंटाइटलमेंट दिबो तांको मिलिबो आ तांको फेरा जीवो निश्चित भाबरे। डॉक्टर प्रहराज आशा करछु आपनकर जेहेतु आपनकर एते बडो सहयोग रहिछि अवदान रहिछि अनेक अनेक धन्यवाद जणाई पउछि ओडिया युवकंक प्रति एते सबु आपनकर सहयोग कोठी ना कोठी समानक परिवार वर्ग मध्य खुशी होतिबे जे केही तो जणे ओडिया समाज रो बाहरि छंती जे बाहरे अछंती जे तांको पिला मानको हेल्प करूछंती खास करी अशेष अशेष धन्यवाद जणाइबो एवं ए मध्य कहबा पई चाहिबी जे खूब शीघ्र आशा करूछु युवक माने जो प्रवासी श्रमिक माने रहिछंती समानकर समस्या रो समाधान हेउ एवं सेमाने खूब शीघ्र सुरक्षित अवस्था रे मध्य सेठारु उद्धार हुअंतु कारण जो वीडियो वर्तमान देखिबाकु मिलुछि जे सेमानकु मध्य सेठी निर्यातना दिया जाउछि। बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित डॉक्टर अरुण प्रहराज जोड़ी होइतिले जे कि बाहर इंट्रे ओडिया समाज रो प्रतिष्ठाता अछंती। तबे वर्तमान जिबा कान्हु चरण को पाखु को चिलिका प्रतिनिधि मध्ये आम सहित जोड़ी होइछंती। कान्हु चरण वर्तमान जिला प्रशासन रो किछ रिएक्शन आसुछि देखो चिन्मय जिला प्रशासन कौन सी प्रकार रिएक्शन बर्तमान आम पाक आसी ना जहाँ आम बर्तमान आज परिवार लोक पहुंचीचु परिवार लोक अच्छा कुभली भाव में श्रमिक मान को जो बाहर सुदूर विदेश निर्यातना दिया जाऊँगी तांको हरियाणा हरकत कर परिवार परिवार मान प्रतिक्रिया ना और जो अच्छा जो श्रमिक मान जा पर कौन कहते आज कि भाव में जो आप छुआ मान जा विदेश कौन असुविधा कौन जहाँ भिड भाइराल कर गुंडा लगे बाड़े अस्तव्यस्त कर तेणुक खावा पीवा रहा सब प्रकार असुविधा होती घर को आसपा श्रमिक मान पर लोक अभियोग कर सुरक्षित फेरबे प्रशासन को जनई ना प्रशासन को जनना प्रशासन देखो चिन्मय सीधा कहते घटना गत काली छुट्टी सकाश प्रशासन को जन पार ना आसंता काफिस खोलला पर प्रशासन को जनबे पर प्रशासन वर्तमान सुधा गणमाध्यम जेहेतु खबर प्रसारण सोशल मीडिया रे युवक मैंने वीडियो जारी कर एक कथा तो प्रशासन जानी ना जदिओ घर पक्षर पर लोक पक्षर कौन से अभियोग होना कि प्रशासन संपूर्ण भाव अवगत थी जे प्रवासी जो श्रमिक मैंने जाते बाहर से कौ समस्या बा कौन समस्या दे गति करुछंती बाबद संपूर्ण अवगत थे तेज प्रशासन रुठ गुरु दायित्व रहा केमती सेठार निज अंचल पिला मान को उद्धार कर सुरक्षित अवस्था से नहीं कौन कार्य बा कार्यानुष्ठान नेबार आवश्यकता रही तेज कान्हुचरण जानवापी रही चाहबू जो खासकर पाने जो फोन करते पर लोक कौन से बाबद कहते सेठे वास्तविक कौन सब घटे निश्चित भाव में कौन कहे आज जो भाव में आप मान पे सुदूर अच्छा जहाँ बार्ता पहुंचुच्च कौन सब बार्ता कि भाव चाहिए जतना भल कथ कहना सदा अशांति होती गाँव को गाँव को कंपनी किसी दायित्व नौनी
ମାମଲା ବେଳବେଳ ବଢି ଚାଲିଛି। ସେଠି କେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ, ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲାଣି, ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି କି ପ୍ରଶାସନ ପଚାରିଲାଣି କି ନାହିଁ, ହଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେଣି କି ଆସିଲେଣି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କାନୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶାସନକୁ କଣ ନିବେଦନ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କଣ ନିବେଦନ କରିବେ, କଣ ଜଣେଇବେ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ପୁଅ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ତ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କମ୍ପାନୀ ଧରି ହଉନି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ସେଠି ଥିବେ, ସେଠି ତ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଭୟରେ ଭୟରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ଭୟରେ ଭୟରେ ସେଠି ରହିବେ? ତେଣୁକରି କାମ ତ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲାନି, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ସେ କହିଲେ କାହାକୁ ଫେରିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ। ଅନ୍ତତଃ ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ କେମିତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାନୁ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଦିନରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବାହାରିନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବାହାରିନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ପ୍ରରାଜ, ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସୁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସମୟ ସରିଛି, ମତକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।